दादी के कलेजे में सट के सोता था। बाबू बिना तो हमको बिल्कुल मन नहीं लग रहा है इसे भी। जल्दी आना, फिर हम लोग वेट करेंगे। ठीक है पापा, चलते हैं। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। जी, कई दिनों बाद आप हमें देख रहे होंगे। ब्लॉग की शुरुआत करते हुए, बहुत दिनों से थी हमारी तबीयत खराब और अब जो है तबीयत में कुछ सुधार होना शुरू हुआ है, तो सोचा कि चलिए अब जो है ब्लॉगिंग की पहले के जैसे शुरुआत करते हैं। इधर जिया जो है बैठ के अपना मंथन कर रही है। किस बात का मंथन हो रहा है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हुई है। कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही बैठी रहो। इधर मम्मी जो है सिलाई कर रही है। क्या हो गया मच्छरदानी में? अब ये मच्छरदानी की सारा सिलाई खराब हो गया है। हम सोच जाने का टाइम होता तब दीदी कहती है मच्छरदानी में चला दो। अच्छा। जिया कहती है सारा सूट फिटिंग कर दो। हाँ। अब हम बैठ के परसों जाएंगे तो जितना काम है मशीन पे अब लगातार। अच्छा। करते रहेंगे, हमारी भी आदत है ना। हाँ। पहले से नहीं करेंगे, जब जाने का टाइम होगा तब जल्दी जल्दी काम करेंगे। इधर माँ जो है सारे बर्तन को साफ कर रही है, तो लगता है लगभग सारा बर्तन साफ हो भी गया है, बस एक कढ़ाई बचा हुआ है। बर्तन अपना काम कर रहे हैं, दूसरे का नहीं। बंद करो, दूध फेंकेगी। बंद हो, बच गया दूध। कितना दाय एक दाय झाड़ू पोछा करती है, एक दाय खाना बनाती है, तो इतना हम भी अगर इतना काम नहीं करेंगे तो अस्वस्थ हो जाएंगे। बिल्कुल, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए काम करते हैं, न किसी के दबाव। और उसके बाद बात यह भी है, किसी दाय को रखा भी जाता है बर्तन सब धोने के लिए, तो टाइम टेबल कुछ है नहीं। हाँ, कुछ नहीं। 9 बजे के बाद 11 बजे आएगी, 11 बजे 12 बजे में आएगी। मैं ड्यूटी से रिटायर्ड की हूँ, मेरे हस्बैंड तो नहीं किए, उनका कचहरी जाना अनिवार्य है, उनका रिटायरमेंट का कोई एज नहीं है। जब तक शक्ति रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तब तक जाएंगे, इसलिए उनके अनुसार तो हमको खाना पीना तैयार करना है। बिल्कुल, तो इसलिए अच्छा है कि खुद से सब कुछ कर लिया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं बाबू आया हुआ है नीचे से। अच्छा, नीचे से आया है। रोके आया, और अभी मजे में है, लगता है इसको भूख भी लग गई है। थोड़ा देर में हमको जब देखेगा ना तो बोलेगा, मतलब इसको भूख लग गया, देख रहे हैं। यहाँ पर बाबू को देख सकते हैं, माँ और मौसी के बीच में सोया हुआ है और मजे में खेल रहा है। कभी उधर देखता है, कभी इधर देख, दोनों हाथ को उठा देता है और बोलता है गोदी, बस आता है कि घूमना है। हाँ। दोनों इधर बेचारा परेशान है, ना माँ घुमा रही है ना मौसी घुमा रही, दोनों भरी हुई। क्योंकि अभी तुरंत सुसु सु करके ऊपर आया हुआ है। कौन बोल रहा है जी? कौन बोल रहा है बुआ? अभी सो करके उठे हैं जी, अभी बज रहे हैं सुबह के 8। बाबू जो है साथ में सोया हुआ था, तो आजकल बाबू जो है नया चीज सीखा हुआ है, मतलब रात भर उठ करके ही कुछ ना कुछ आवाज नया नया निकालते रहता है, तो उस वजह से जो है थोड़ा सा जगना पड़ा रहा। तो बाबू भी सो करके उठ चुका है जी, देख सकते हैं। राधे राधे कर दो, तो कर दो राधे राधे। वैसे आजकल तो इसका नींद जो है कम हो गया है, और ये जाके सब पूरा घर देखेगा, चीज देखेगा घूम घूम के, है ना बेटा? चोर पापा साथ बैठा देंगे, तुम देखना। दादी अपने काम में लगी हुई है, उधर बाबू जो है अपना झूला में है। अकल जो है सो कम रहा है, इसको घूमना ज्यादा रहता है। दादी जब चल जाएगी तब इसको ऐसे नीचे करके तब इससे देखे। शैतानी तुम्हारा बता रहे हैं क्या? देख मारी शैतानी बताई जाएगी। यहाँ पर बेड को सेट किया जा रहा है जी, इस बेड को जो है उधर कर दिया जाएगा और अलमीरा को जो इधर कर दिया जाएगा। अब इससे बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि ऊपर में VIP है, थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा ये, कि बात सही थी जी, इसलिए हम जो है बेड को ही इधर कर रहे हैं। यहाँ मेरा बेटा है जो अपनी दादी और चाची को उधर से घूर रहा है, और इधर काम चल रहा है। मारेगा तू हमको? जन्मन लड़की सुनमन लड़की सुसु कर दिया, सुनमन लड़की कोई काम नहीं करने दिया। तो बेड यहाँ पर सेट हो गया जी, यहाँ पर गोदरेज भी सेट हो गया है, अब जो यहाँ से कोई भी खतरा नहीं है, बाई चांस गिर भी जाए है ना, उसे स्लाइड सोच रहे हैं, कभी होगा मौका मिला तो कभी स्लाइड लगवा दिया जाएगा ऊपर। एक गिलास ग्लूकोज पे इतना काम हो गया, इतना काम हो गया। अब जो है जी मम्मी और पापा जा रहे हैं, तो मम्मी जाने से पहले जो है पोता का सोच रही है जितना बार दर्शन कर सके कर लेती बाथरूम, जबकि ट्रेन का भी टाइम हो रहा है। मम्मी का ट्रेन है 1:30 बजे और अभी बज चुके हैं 11, लेकिन मम्मी को देख सकते हैं। बोली हम रोएंगे ट्रेन में, पहले रोने लगी तुम्हारी दादी, बोली हम रोएंगे ट्रेन में, नहीं रोएंगे पोता एग्जाम में, पहले रोने लगी, बोलो दादी रो मत हम आ जाएंगे तुम्हारे पीछे, बोलो बोलो दादी, दादी तुम रो मत हम आएंगे तुम्हारे पीछे पीछे। बाबू भी दादी को एकदम अच्छे से पहचान लिया है, दादी क्या दादाजी को भी अच्छे से पहचान लिया है, जैसे आवाज सुनता है तुरंत देखने लगता है। करती है दादी इतना, लेकिन बाबा दूध बना के देते हैं बाबा को ज्यादा। दादी के कलेजे में सट के सोता था। और
दादो है, मोनू के ससुर भी आए हुए हैं, तो जाते हैं उनसे भी जा करके मिलते हैं। छोटे वाले पापा है ना मोनू चाचा, उनके ससुर जी आए हुए हैं। बउआ के तो नाना ही, बउआ के नाना आए हैं। नाम करके आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, बउआ का सारा कपड़ा जो है समेटा जा रहा है, इधर उधर बिखरा हुआ था सारा कपड़ा। और बउआ का लगता है कि अच्छा खासा कपड़ा दिन भर में गंदा होता है, फिर उसको समेटो धो। और पता है आपको फादर्स डे भी आ रहा है, इस बार पहला फादर्स डे रहेगा। अभी वो हमको विश नहीं कर सकता, उसको समझ नहीं है, उसके बदले हम कर देंगे उसका पोस्ट। बाबू अब नानू से मिलने जा रहा है, ठीक है, चलो हम भी संदेश मिल लेते हैं। बाबू की मौसी और मामा आए हुए। कैसा लगा भांजा बताई नहीं? ज्योति पे छोना नहीं था, सोया हुआ है, अभी सोया हुआ है, अभी फिलहाल सो गए। जगते हैं नीचे जगह। बाबा के दिन खुश है कि मौसी को बताओ छोना मेरा नाम बोलो। बोला जल्दी जल्दी बोलो छुटका, उसी देर में उठ जाएगा, आधे घंटे में। थोड़ी देर सोता है। क्या समेट रही है? ये सब समेट रहे हैं, तुम लोग ससुराल से आया है। अच्छा है। एक बेटी तो उसकी नहा रही है, उसी को हम खड़े कर दिए, कोई चीज उड़ाते तो है नहीं, ठीक है। ये क्या है, किसकी लीला है ये? अच्छा ये ऋतु का है, किसी का भी जरूरी पड़ जाए, ठीक है। इसमें क्या है? ये भी मेरे लोग का है, इसमें तुम आप ही ने बोलो, हम आपकी आंटी दिया सब, हाँ बोलो सब आका है। अच्छा चूड़ी है, चूड़ी हुआ क्या है? एक लहटी है दीदी का, चूड़ी बता रहा है। ये लहटी है, ये सिंदूर है, दोनों है कि एक एक ऋतु का होगा? हाँ नहीं ऋतु दी का नहीं है। हाँ जी अच्छा इसमें इधर सबका है। हाँ हाँ इसमें है, बस ऋतु दी का बस लहती है, इसमें लहती है, जो उसका नाप का नहीं मिलता है ना, जो मिलता है मम्मी रख लेती है। हाँ, सही बात, ये है देखो ये हो गया ऋतु का, ठीक है। बड़ा सा ऋतु का नहीं छीके, ऋतु का जे छी है, ऋतु एक छी ऋतु का ना, ये दिया का दिया बगल में ही है, देख लो अपना दिया खड़ा करके रखी है। हम खड़ा करके रखे। अच्छा सामान है इसे कोई समझौता नहीं, दिया को ना समझे तो दिया बेटो करे ना। हां इसी में लोग समझ आएगा, अब ऐसे भी हो जाएगा। और ये सब ड्रेस है, वाह दो ड्रेस है, नाना को धन्यवाद बहुत बहुत बधाई हो नाती होने के लिए। नाना को बुआ की तरफ से भी बहुत बहुत थैंक यू नाना जी को। ये सब नाना नहीं भी करेंगे तब क्या आशीर्वाद का जरूरत है, किए तो बहुत अच्छी बात, उनको भी अपना अपना शौक है। देखो ऐसे इनके नाना की कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दे नहीं, मेरे दोनों मन का सोच थोड़ा अलग है, अलग है। हम चाहते अगर मांगेंगे नहीं, अगर दे रहे हैं हमको लगता है ज्यादा आशीर्वाद की जरूरत है, और दिए तो उनको भगवान दिया है, और सब एक ही जैसे होगा तो कैसे होगा, इसके लिए आगे भी दे कोई दिक्कत, इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद करते हैं। हम उसको व्यवहारिकता निभा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए हम उनको बहुत धन्यवाद करते हैं, अपने संदिल को और अपने संदिल को। ये है ऋतु, ये है ऋतु के सास जैसे मैं हूँ, ठीक है। अच्छा ये भी हम ही ले लेंगे, ऋतु क्या जानते हैं, बहनी लेंगे ये तीनों, मेरी छोटी बहू का है, मायके से मिला है, उनकी सास नहीं कर सकती ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं उसको बर्थडे पर हम नहीं आ पाएंगे ना, इसीलिए हमें दे दी बर्थडे के लिए। लो ये भी ऋतु का है, ये भी ऋतु, अरे बाबू हुआ है तो इसीलिए मम्मी दी उसको भी, अरे बर्थडे के लिए दिए। एक बेटा भले ऊपर एक जन्मदिन, बर्थडे कब है? सात जुलाई को, ठीक है। हम अटा नहीं भेटे बाकी एक बजे मिल जाए, ये समझिंग का है, इसलिए इस बार गोले बात रखते हैं, जो अच्छा होगा वो लेंगे, दोनों का एक ही तरह है कॉटन, अब कलर है। अच्छा। जो लेने का मन है ले लो, समझी जी और समझिंग को बहुत सुकरिया चीज है, वैसे भी हमारी दीदी पसंद करती है, हम दीदी पहले पसंद करते हैं। अच्छा दोनों बहुत ही अच्छा। हम एक बार और कहना चाहते हैं कि हमारे संदीप व्यवहारिका को निभाए हैं, रिलेशन में देन देन का कोई महत्व नहीं है, वो सदैव आकर के हमारे पोता को आशीर्वाद, इसके लिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।
जी हम नहा करके हो गए हैं फ्रेश और अब चलते हैं नीचे। नीचे मम्मी पापा भी तैयार हैं निकलने के लिए, उनका ट्रेन है 1:30 बजे तो उनको निकलना है स्टेशन की तरफ। यहाँ मम्मी तैयार है जी, पापा भी तैयार हैं, सारा सामान भी तैयार है और अब यहाँ से निकलने की तैयारी चल रही है। मम्मी पापा तो विदा हो गए जी, बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे वो सभी। जाहिर सी बात है इतने दिनों से घर में थे, भावुक तो होंगे ही, और साथ में बाबू था, बाबू के साथ भी खेलते खेलते सभी का मन लगा रहता था। तो जानता हूँ कि सबसे ज्यादा जो मिस करेंगे वो बाबू को ही मिस कर रहे होंगे। हम सोच रहे थे कि हम भी थोड़ा स्टेशन चले जाते छोड़ने के लिए, लेकिन कंडीशन ही ऐसी है, सभी ने मना किया कि नहीं तुम जो है रेस्ट करो, अभी कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मोनू गया है ही, साथ में मोनू के जो 40 साथ है वो भी गए हुए हैं साथ में वहाँ पर छोड़ने के लिए। तो आदमी तो है वहाँ छोड़ने के लिए, पसना लग रहा था कि हम भी चले जाते छोड़ने के लिए तो अच्छा रहता, हमेशा जाते थे ही का दिया ने। 20 minutes later जी, तो आज व्लॉगिंग का काम ये दिया गया है। आज मैं अपनी मौसी को पहुंचाने के लिए आया, कहने के लिए मौसी है लेकिन है मेरी माँ, बचपन से मुझे पाला है। आप में से काफी सारे सब्सक्राइबर जाते भी होंगे। कितने महीने के थे हम लेके गए? 5 महीने का था मोनू जब हम ले गए थे इसको, तो इतना बड़ा हो गया अब तो 5 महीने को इंतजार कर रहे हैं। चलिए ट्रेन आने का इंतजार करते हैं। सर मम्मी ट्रेन तो लेट हो गई है आधा घंटा। हाँ आधा घंटा हम इंतजार करेंगे। अब देखो हमारी छोटी बहू का भी चेहरा बहुत उदास। नवनी जी भी आए हैं साथ में। बाबू के बिना हमको बिल्कुल मन नहीं लग रहा है उसे भी। वो देख रहा था जी। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर गाड़ी आने वाली है, हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन आने की। A3 कोच है। प्लेटफॉर्म टिकट लेने गए थे, भीड़ कितना था? बहुत ज्यादा भीड़ था। बस हम लोग मम्मी को ड्रॉप करेंगे फिर निकलेंगे, क्योंकि हमारे अभी नवनी जी लोग आए हुए हैं, इनका भी अभी खरीदारी बाकी है। चलिए मम्मी और पापा दोनों को बैठा चुके हैं। मम्मी हम लोग का ड्यूटी खत्म हो गया, जल्दी आना फिर हम लोग वेट करेंगे। ठीक है पापा चलते हैं जी। मेरा और नवनीत जी का काम अब हो गया खत्म, हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। मम्मी और पापा निकल गए, थोड़े इमोशनल थे लेकिन फिर आएंगे क्योंकि ऋतु का पहला ही बाकी है, और अब हम लोगों का ड्राइवर साहब भी इंतजार कर रहे हैं।